Hi, hello friends, welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss photochemistry chapter. Okay, so in this session we are going to briefly discuss the basic concept of photochemistry chapter as well as the Norrish type 1 chemical reaction. Okay, so before start with this main chemical reaction, Norrish type 1, first we should understand what is the basic introduction of this chapter, because these are going to be very important, because from the theoretical part also there is a so many questions are going to be coming to your final examination, like if you are going to be prepared for the CSR, NET, SET and GATE examination. So the questions are also coming from the your basic theoretical part from the photochemistry chapter. Okay, so as you can see over here, the photochemistry chapter jo hai is what's ko agar maine two terms mein divide kar liya, that photo and the chemistry. The photon actually is related to your word, the photon. Yahan pe koi scientifically approach mein nahi bata rahi, it is just going to be to understand you in a better way. This is just a explanation. Okay, to agar photo ki baat karte to photo ka yahan par matlab hota hai photo. So in this case the entire chapter is going to be surrounded towards the main one word, that will be the photon. Photon is nothing but what, your energy. So the main key points of this chapter will be, the first main key point is the absorption of light. So photochemistry is nothing but what, the it is actually study of the reaction that are brought about the action of visible and your ultraviolet light. अब मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी, मतलब आपका कोई भी मॉलिक्यूल जब इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, देन दे विल एक्साइटेड एंड गिव इज द प्रोडक्ट. दिस इज द ओनली शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री. तो मतलब अभी सब जो दीज आर द एक्चुअली योर केमिकल रिएक्शन, दैट योर रिएक्टेंट ए मीन्स योर ए मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्टिंग विद और इंटरैक्टिंग विद द लाइट सोर्स मीन्स एच न्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं, यू विल गेट प्रोडक्ट. अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल भी सकता है, प्रोडक्ट नहीं भी मिलता है. अब ये जो डिपेंड करता है वो इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट आफ्टर इंटरेक्टिंग मीन्स व्हेन योर मॉलिक्यूल हैज टू बी इंटरेक्ट विद दिस लाइट सोर्स द मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड. अब ये एक्साइटेशन के बहुत सारे टाइप्स है, आपको मैंने अर्लियर वीडियो में बताया था जब मैंने एक्सप्लेन किया था यू विजिबल चैप्टर, तो चैप्टर में मैंने आपको एक्साइटेशन के रूल बताए थे. सो सिमिलर रूल वही हम यहाँ पर अप्लाई करने. तो अब प्रोडक्ट मिलेगा कब और प्रोडक्ट कब मिलेगा नहीं, ये मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बताऊंगी. जस्ट टेक अ लुक. अब यहाँ पर देख लीजिए, जब आप बात करते फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर, तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन होता है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा, दे ऑल आर द एक्चुअली कीटोनिक कंपाउंड. कीटोनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है. तो ये जो भी हमारे कीटोनिक जो कंपाउंड होते हैं, मीन्स हमारे जो कार्बोनिल जो कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इन्हीं के साथ इनका रिएक्शन होता है. एज यू कैन सी ओवर हियर, द कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर जो है, इसमें एक्चुअली हमारा वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, बराबर, एंड अलॉन्ग विद दैट लोन पेयर भी यहाँ पर प्रेजेंट है. तो जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियो में बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी जब मैंने यू विजिबल पढ़ाया था, लोन पेयर इज नथिंग बट व्हाट योर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग एन भी बोलते हैं. सो मीनिंग विल बी द सेम. अब जब आपका यहाँ पे रिएक्शन जो होता है, लाइट सोर्स जब इंटरेक्शन करते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप में जो हमारे पाइबन और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है. सो दीज आर कॉल्ड व्हाट योर कंप्लीट रिएक्शन. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कौन से, वो मैं आपको बताना चाहूंगी. नाउ जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर. अब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के एक्चुअली ये सारे टाइप्स है जो मैंने आपको बताया था, लाइक जो होता है, एक होता है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, एन टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है, पाई टू सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई टू स्टार, एन टू पाई स्टार, ठीक है. अब यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है एवरी प्लेस, स्टार का मतलब है ये हमारे सारे होते हैं एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये हमारे है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. तो जब वो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, व्हेन योर इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी जंपिंग, मीन्स उनका एक्साइटेशन किसके बीच में होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू द एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल. सो दीज आर द एक्चुअली एनर्जी लेवल्स. तो सबसे फर्स्ट जो लोवेस्ट आपका पार्ट होता है वो होते हैं सिग्मा, देन फॉलोड बाय पाई, देन फॉलोड बाय नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देन पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार. तो ये है आपके एंटीबॉन्डिंग और ये है आपके बॉन्डिंग, ठीक है. और ये जो है आपका नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट गोइंग टू बी टेकिंग पार्ट इन टू द बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, अब जो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा, एक्साइटेशन ऐसे होगा, ठीक है. अब एक्चुअल में फोटोकेमिस्ट्री में ये ट्रांजिशन कैसे होता है, सो जस्ट टेक अ लुक. सपोज ये आपका ग्राउंड स्टेट है, इसको मैंने एस जीरो कंसिडर किया. अब एस जीरो का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर होता है ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, ठीक है. और ये यहाँ पर है एक्साइटेड स्टेट. तो जैसे ही यहाँ से लाइट सोर्स मतलब एच नो फोटोन को मैंने पास किया, द मॉलिक्यूल विल बी एब्जॉर्ब द लाइट
absorption करने के बाद हम molecules are going to be jump, means वो excite होगा and come to the higher energy level, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं excited state, मतलब you can say over here the S1, ठीक है। अब यहाँ पे actual में क्या होगा student, when this is coming to the excitation, अब इसको हम लोग बोलते हैं excitation singlet state, ये वो आपका ground singlet state, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर जाएगा student, तो अब ये जो molecule, मतलब sorry, ये जो electron जहाँ पर है, मतलब जो आपका excited state होगा, after certain time, मतलब 10^-13 और we can say 10^-15 seconds में immediately that are going to be coming back to down. तो ये process होता है। अब ये process कब होगा? अगर मान लीजिए इस process में along with the emission of light, if it is going to be coming to down, तो उसमें दो process होते हैं। एक होता है आपका phosphorescence और एक होता है आपका fluorescence, ठीक है। वो मैं आपको आगे जाके ब्रीफली बताऊंगी। अब सिर्फ मैं एक्साइटेशन के बारे में बता दिया। अब ये जब एक्साइटेशन होगा ना स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, दे आर गोइंग टू बी इन द पेयर फॉर्म। अब एक्साइटेशन होने के बाद मान लो द स्पिन स्टेट जो है इलेक्ट्रॉन्स का, वो एज सच यहाँ पर मेंटेन है, देर विल बी द नो स्पिन चेंज। अब चेंज के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा, बराबर स्पिन के लिए लिखा है मैंने कैपिटल लेटर एस। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिन चेंज नहीं हो रहा है, तो इट इज इक्वल टू वॉट, जीरो। तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सिंगलेट स्टेट। ये यहाँ पे आपको याद रखना है फोटोकेमिस्ट्री में, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है, दैट दिस इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, बट अब यहाँ पर जो स्पिन जो डाउनवर्ड है वो अब यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्ड हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्पिन स्टेट, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्पिन जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। और ट्रिपलेट स्टेट इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टू फॉर्म। ट्रिपलेट स्टेट के लिए पहले उनका होता है इंटर कन्वर्जन, इंटर सिस्टम कन्वर्जन, एंड देन दे आर गोइंग टू बी कमिंग टू द योर ट्रिपलेट स्टेट। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पर वन मोर थिंग आपको बताना चाहूंगी, वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंगलेट स्टेट एंड द ट्रिपलेट स्टेट, तो यहाँ पर कंपेरेटिवली जो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रिपलेट स्टेट होता है, ना कि सिंगलेट स्टेट। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का भी आपको क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, दैट विच वन विल बी द स्टेबल। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगलेट स्टेट जो होता है फर्दर डू नॉट स्प्लिट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, बट व्हाइल योर ट्रिपलेट स्टेट हैव थ्री पॉसिबल एनर्जी स्टेट होता है इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट योर ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल देन योर करस्पॉन्डिंग एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। तो ये दो जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, विच वन विल बी द मोस्ट स्टेबल, सो यू शुड रिमेम्बर द ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी ये जो एक्साइटेशन जो होता है, जो मैंने आप बोला कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होती है डिपेंड ऑन द रिएक्शन पार्ट, सो जस्ट टेक अ लुक नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब समझ लो स्टूडेंट, मान लो कि यहाँ पर, अब मैंने देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल में मैंने कुछ डिफरेंस दिखाया हुआ है, S0, S1, S2, सो दीज आर द एनर्जी लेवल सिंगलेट। बट यहाँ पर जब मैंने ट्रिपलेट से दिखाया, तो यहाँ पर तो कंपेरेटिवली क्या होता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट सेट का जो एनर्जी लेवल होता है वो बेसिकली कम होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी ड्रॉ द बिलो ऑफ दिस लाइन। सपोज अभी यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब मान लो इसमें से उसने क्या किया, लाइट सोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड। अब यहाँ पे वो क्या हुआ, एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन इन द सेम स्पीड, ठीक है। अब जैसे ही वो यहाँ पे एक्साइटेशन हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये ग्राउंड सिंगलेट सेट, इसको हम लोग बोलेंगे, इस एक्साइटेशन को हम लोग बोलेंगे वॉट, मतलब ये एब्जॉर्प्शन हुआ। तो यहाँ पर मैं चाहिए तो आपको सिम्बॉल लिख के देती हूँ स्टूडेंट, H𝛎A। सो यहाँ पे ए स्टैंड फॉर वॉट, एब्जॉर्प्शन। तो इसने क्या किया, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, देन दे आर गोइंग टू बी गो टू द एक्साइटेड। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। अब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एक्साइटेड स्टेट है, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग बाकी सारे कंडीशन स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगेन कमिंग बैक फ्रॉम S1 to S0, अब ये फिर से यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। सो व्हाइल इट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम अगेन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, बट अब यहाँ पे वो क्या करेगा, एमिशन ऑफ लाइट करेगा, ठीक है। अगर वो एमिशन ऑफ लाइट दे रहा है, ओके, मतलब फोटोन को एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो इस एक्चुअली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पर वॉट, फ्लोरोसेंस। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोसीजर होगा, ये जो केमिकल है, ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पर स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक। तो ये आपका रिएक्शन हैगा दैट S1, ओके, कमिंग बैक टू विच स्टेट, S0, बट अलॉन्ग विद द वॉट, सॉरी स्टूडेंट, बट अलॉन्ग विथ वॉट, एनर्जी, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होगा, तो एक्चुअली इसे हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो इसे हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंस। व्हाट आई एम सेइंग, फ्लोरोसेंस। तो ये बहुत एक्चुअली जरूरी है कि कब आपका फ्लोरोसेंस हो रहा है और कब नहीं।
फ्लोरोसेंस हुआ। अब फ्लोरोसेंस के बाद अगर मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो कमिंग बैक टू नहीं आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी कमिंग टू फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल टू यहाँ पर, अगर उसने यहाँ पर जंप कर लिया, ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आया कौन से स्टेट में, ट्रिपलेट स्टेट में। सो एज सून एज इज गोइंग टू बी कमिंग टू योर ट्रिपलेट से, तो ये जो इनका इंटर कन्वर्जन होता है इसे हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं आईएससी, वर्ड हम लोग बोलते हैं इसको आईएससी। अब आईएससी का यहाँ पर स्टूडेंट मतलब होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये सारे वर्ड्स बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इंटर सिस्टम पहले क्रॉसिंग होगा, देन फ्रॉम दिस एनर्जी स्टेट अगेन इट इज गोइंग टू बी कम बैक टू एस जीरो। प्रॉपरली देख लीजिए, तो अब वो कहां से आ रहा है, T1 टू H0। तो यहां पर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, अगेन इट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम T1 टू H0 आया अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ लाइट, मतलब एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो जब ये कंडीशन यहाँ पे होगा स्टूडेंट, तो इसे हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरेंस। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेंस, ठीक है। अब ये हुआ आपका फॉस्फोरेंस टेक्निक। अब फॉस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस मतलब आपको समझ, ये अगर केमिकल रिएक्शन हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये हुआ आपका फॉस्फोरस। तो यहाँ पर आप चाहिए तो मेंशन कर सकते हो दैट एच न्यू पी मतलब फॉस्फोरस और फ्लोरोसेंस के लिए एफ, ठीक है, मतलब एच न्यू एफ। तो ये हुआ ट्रांजिशन। तो जब आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आपका मॉलिक्यूल इंटरैक्ट होता है लाइट के साथ और आपको अगर यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं, अगर एस मिलेगा तो वो नहीं मिले। अब नो वाले चांसेस कौन से है कि अगर मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, ठीक है, वो अगर वो कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट व्हाइल एमिटिंग द एनर्जी। सो इन दिस केस फॉस्फोरस और फ्लोरोसेंस जब कप के केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट होते तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलता है। बिकॉज क्या होता है, मॉलिक्यूल जब इसके साथ इंटरैक्ट करेगा देर विल बी द सम ऑफ द एनर्जी लॉस। तो यहाँ पे आपका क्या हो होता है, लॉस इन एनर्जी। तो एनर्जी कौन से फॉर्म में जाती, एक तो फॉस्फोरस हुआ होगा या फिर फ्लोरोसेंस हुआ होगा या फिर मॉलिक्यूलर कोलिजन हुआ होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट लॉस इन एनर्जी यू विल नॉट गेट द प्रोडक्ट, ओके। और प्रोडक्ट अगर मिलेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी मतलब क्या है वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी। अब देख लीजिए, ये हुआ टू पॉसिबिलिटी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है टेकिंग मोर एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी अगर मैंने उसको एक्सेस में प्रोवाइड किया तो पॉसिबिलिटी कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एस टू में जाएगा, बराबर। तो अगर ये मान लीजिए और उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया एंड दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मोर फर्दर अगर उसने एक्साइटेशन किया, ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टूडेंट व्हाट, इंटरक्रॉसिंग, आईसी। अब आईसी का मतलब यहाँ पे होता है इंटरक्रॉसिंग, मतलब वो इंटरक्रॉसिंग करके आगे जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। तो ये क्या हुआ आपका, और इसको एक्चुअली जनरली वन मोर टर्म मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको आप वाइब्रेशनल कैस्केड भी बोल सकते हो, दिस इज द थ्योरेटिकल वर्ड, बट टू अंडरस्टैंड यू जस्ट रिमेम्बर द दिस आर द योर इंटरक्रॉसिंग। और फिर वो यहां से फिर वो नीचे आएगा अप टू एस जीरो। तो मतलब जब आप, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आपका केमिकल रिएक्शन ना होने के रीजंस कि क्या हो रहा है कि वो एनर्जी को यहाँ पे लॉस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंस फॉस्फोरस। बट अगर वो डायरेक्टली एस जीरो से जाके एस वन जा रहा है एंड अगेन कमिंग बैक टू एस वन वो डायरेक्टली आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू बी लॉस ए एनर्जी, वो कुछ एनर्जी को लॉस नहीं कर रहे। सो इन दैट कंडीशन देन वॉट विल हैपन, रिएक्शन विल बी कैरिड आउट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ले रहा है और आपको वहां पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करा, तो वो हुआ कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिलेगा और दी ज्यादा चांसेस कि वहां पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के कौन से टाइप से ट्रिपलेट सिंगलेट कब होगा। और ये जो मैंने आपको अभी पूरा जो डायग्राम स्टूडेंट यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया, दी ज्यादा एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है मैंने आपको बताया, इसको हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट बोलते हैं जाब्लोंस्की डायग्राम। और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो ये डायग्राम जो है स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फॉस्फोरस के लिए कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, फ्लोरोसेंस के लिए कौन सा आपका केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, इंटरनल जो कन्वर्जन है मतलब इंटरक्रॉसिंग जो हो रहा है उसके कौन से रिएक्शन है। सो दीज आर द रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक्साइटेशन सिंगलेट स्टेट का रिएक्शन कौन सा होगा, एस जीरो प्लस एच न्यू, सो यू विल गेट एस वन। तो ये हुआ आपका एक्साइटेशन सिंगलेट स्टेट, वाइब्रेशनल कैस्टर मतलब इंटरक्रॉसिंग, ये हुआ फ्लोरोसेंस फॉस्फोरस। आईएससी के लिए आपका कौन सा रिएक्शन होगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए, कि वो टी से जीरो में अलोंग विद द हीट जा रहा है। तो यहां पर आप एमिशन ऑफ लाइट नहीं कर रहे हो, इट इज ओनली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द हीट। सो दिस इज हाउ यू शुड एक्सप्लेन द कंप्लीटली इजाबलस की डायग्राम। अब मैं बताना चाहूंगी ये जो चीजें हो रही है, हम बात किसके लिए करें कि आपका फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग मोस्टली
कौन से कार्बोनिल कंपाउंड के साथ डील करेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड में आप अगर देखते हो तो मेरे पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ओनली द पाई बॉन्ड एंड द लोन पेयर। तो जब इसमें इंटरेक्शन होगा अलोंग विद द योर एनर्जी मतलब फोटो, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है या फिर एन टू पाई स्टार, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के जो चॉइस है बट अकॉर्डिंग टू आर कार्बोनिल कंपाउंड जो ग्रुप है हमारा फंक्शनल ग्रुप उसके हिसाब से सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक तो पाई टू पाई स्टार एन टू पाई स्टार, ठीक है। बट अब इसमें हम लोग चूज कैसा करेंगे कि कौन से होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो क्या होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसके लिए देखो ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। देन एन टू सिग्मा स्टार ये ज्यादा एनर्जी लेगा, देन उसके बाद पाई टू पाई स्टार के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और उसके बाद सबसे कम जो लगेगी वो लगेगी एन टू पाई स्टार। सो दीज आर द एक्चुअली व्हाट एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो आप अगर देखते हो कंपेरेटिवली व्हाट पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार में ये जो है मेरा ग्रुप व्हाट पाई टू पाई स्टार इसके लिए मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए, बट कंपेरेटिवली एन टू पाई स्टार के लिए मुझे क्या चाहिए एनर्जी यहाँ पर कम चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर वी शुड डिसाइडेड दैट व्हाट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कुड टेक प्लेस, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज आर एक्चुअली सम ऑफ द बेसिक। अब हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि वो रिएक्शन में कैसे इंटरेक्शन हमें दे रहा है, ठीक है। आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड, बट स्टूडेंट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोटोकेमिस्ट्री यू शुड आस्क मी, डेफिनेटली आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं नोरिश टाइप वन रिएक्शन विच इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, आप अगर नेट एग्जाम के लिए या गेट एग्जाम के लिए पढ़ते हो। तो नोरिश टाइप वन रिएक्शन एक्चुअली आप अगर पढ़ते हो ना सो एक दिमाग में बात याद रखिए, दिस रिएक्शन विल बी योर अल्फा क्लीवेज। ये किसके बारे में बात करती है, अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है बताना, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के बाद, ठीक है, जो फर्स्ट जो पोजीशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा, ये हुआ आपका बीटा पोजीशन, आगे बढ़ते तो गामा। तो ये जो बॉन्ड होता है ना ये बॉन्ड हम लोग क्लीव करते हैं। अब क्लीव का मतलब क्या है, इसको हमें क्या करना है होमोलिटिकली ब्रेक डाउन करना है, मतलब ऐसे, ठीक है। होमोलिटिकली ब्रेक डाउन किया तो इसको आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, टू रेडिकल्स मिलेंगे, यू विल गेट द टू रेडिकल्स, ठीक है। तो ये करना है हमें बेसिकली, ठीक है। अब सबसे मेन जो की पॉइंट है आपका नोरिश टाइप वन रिएक्शन में स्टूडेंट वो ये है कि अल्फा क्लीवेज टाइप ऑफ रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा बॉन्ड ब्रेक होगा अलॉन्ग विद द इंटरेक्शन ऑफ द योर लाइट सोर्स। सो आपको यहाँ पे एक मिलेगा असाइल रेडिकल और एक मिलेगा अल्काइल रेडिकल, ये ग्रुप कौन सा आपका स्टूडेंट असाइल है, सो दैट यू शुड कीप इन माइंड। तो ये मिला आपको असाइल रेडिकल, सेकंड मिला अल्काइल रेडिकल। सेकंड जो मेन की पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये पॉइंट है दैट फेवरेबल इन वेपर फेज। सो मोस्ट ऑफ द टाइम नोरिश टाइप वन जो रिएक्शन होता है ना दैट एक्चुअली मोर फेवरेबल इन टू द वेपर फेज, तो वेपर फेज में वो रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं। और वेन एवर द वेपर फेज टर्म इज गोइंग टू बी मेंशन इन केमिकल रिएक्शन देन यू शुड कीप इन माइंड कि वहां पे आपका डी कार्बोनिलेशन होगा, मतलब वहां पे क्या है आपका हाई टेम्परेचर होगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू हाई टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू वेपर फेज डेफिनेटली इन द रिएक्शन डी कार्बोनिलेशन विल बी टेकिंग प्लेस। अब डी कार्बोनिलेशन का मतलब क्या है, द रिमूवल ऑफ वॉट सीओ ग्रुप, ठीक है। जैसे कि आप डिहाइड्रेशन में वॉटर को रिमूव करते हो इन द सेम वे डी कार्बोनिलेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ सीओ ग्रुप, दैट यू शुड कीप इन माइंड। थर्ड जो मेन की पॉइंट है नोरिश टाइप वन में ये वो है था कि हाई टेम्परेचर में तो पता चला कि डी कार्बोनिलेशन करना है, बट अगर लो टेम्परेचर हुआ तो क्या होगा, असाइल जो रेडिकल जो होता है हमें जो मिलेगा रिएक्शन में दैट इज गोइंग टू बी डाइमराइज टू फॉर्म डाइकीटोन्स। तो ये भी याद रखना है आपको, अगर लोवेस्ट टेम्परेचर है तो आपका वहां पे अल्काइल रेडिकल ना रिएक्ट होते हुए आपका कौन सा रेडिकल रिएक्ट होगा, द असाइल रेडिकल डाइमराइज होगा एंड देन यू विल गेट द डाइकीटोन्स। तो ये भी आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अगर लोवेस्ट टेम्परेचर है देन वॉट शुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आई होप सो ये तीनों पॉइंट्स अब हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे थ्रू द एग्जांपल। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं कीटोनिक कंपाउंड्स की, अब कीटोनिक जो कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल मतलब कार्बोनिल के दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड जो भी ग्रुप अटैच हो दे आर द सिमिलर, तो हम लोग बोलेंगे उसको सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर मिथाइल है तो यहाँ पे इथाइल हो सकता है, मतलब ग्रुप्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल कीटोन, लुकिंग एट द एग्जाम्पल ये है मेरा कार्बोनिल ग्रुप, ये है विच ग्रुप इथाइल ग्रुप मैंने अटैच किया CH2 CH3 CH2, तो सिमिलर है तो मतलब सिमेट्रिकल। H न्यू दिया रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अब ये भी मेरा यहाँ पर अल्फा पोजीशन ये भी अल्फा पोजीशन, बट नाउ देर इज नो एनी डिफरेंस बिकॉज बोथ द ग्रुप आर गोइंग टू बी सिमिलर, तो हम लोग यहाँ से भी अल्फा क्लीवेज कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या किया
आई एम गोइंग टू बी क्लीव दिस बॉन्ड. तो ये मैंने जो बॉन्ड है उसको क्या किया, क्लीव किया. सो आई विल गेट दीज आर द वन ऑफ द रेडिकल, असाइल रेडिकल और एक मुझे मिला मिथाइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल. अब इसमें क्या होगा फर्दर, वॉट विल गोइंग टू डू, असाइल जो रेडिकल, ये जो मेरा अल्फा बॉन्ड है इसको मैंने क्लीव किया. एज सुन एज आई एम गोइंग टू बी क्लीव दिस अल्फा बॉन्ड आई विल गेट वॉट सीओ, मुझे यहां से क्या होगा मिलेगा. सो माइनस सीओ हट जाएगा, बचा क्या सिर्फ मिथाइल रेडिकल. अगेन दिस बोथ द रेडिकल्स आर गोइंग टू बी कंबाइन. ओके अगेन दिस बोथ द रेडिकल आर कंबाइन एंड यू विल गेट दिस इज द फाइनल कंपाउंड. सो दिस आर द योर फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल और ये हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन जो मैंने आपको अलग कलर से बताया. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट रिएक्शन. तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं. अब बात करते हैं हम लोग अगर साइक्लिक कीटोन है और सिमेट्रिकल इन नेचर होगा, मतलब अभी मान लीजिए ये मेरा साइक्लोहेक्सानोन है, अब ये यहाँ पर सिमिलर है अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ये गामा बॉन्ड है. अब अल्फा मतलब यहां से भी क्लीव कर सकती हूँ मैं, यहां से भी क्लीव कर सकती हूँ बराबर. अब देख लीजिए अगर अल्फा है तो डजंट मैटर, बट सपोज मान लीजिए मेरे पास अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब ये वाला एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये मेरा क्या होगा स्टूडेंट, अनसिमेट्रिकल. तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, वेन योर मॉलिक्यूल विल बी अनसिमेट्रिकल होगा, क्या अनसिमेट्रिकल इन नेचर होगा, सो इन दैट केस मोर सब्स्टिट्यूटेड, रिमेंबर मोर सब्स्टिट्यूटेड जो होगा साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड होगा वही अल्फा बॉन्ड आपको क्या करना है क्लीवेज करना है. तो वही पे क्या होगा आपका अल्फा क्लीवेज होगा. तो मतलब इन दिस केस मुझे यहाँ पे क्लीव करना होगा. एज सून एज आई एम गोइंग टू बी क्लीव दिस बॉन्ड मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर वन मोर रेडिकल मिलेगा और एक यहाँ पे रेडिकल मिलेगा. उसके बाद में ये दूसरा बॉन्ड मैंने क्लीव किया तो मुझे यहाँ पर रेडिकल मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों रेडिकल मिलने के बाद आपको पता चला कि मुझे इससे ये वाला कंपाउंड मिला, बट ये कंडीशन क्रिएट होने के बाद आपको क्या यहाँ पर देखना है स्टूडेंट, बिफोर द डीकार्बोनिलेशन, मतलब डीकार्बोनिलेशन करने से पहले यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आपको याद देखनी वो है रेडिकल स्टेबिलिटी. क्या देखना है आपको, एक बहुत जरूरी वर्ड है रेडिकल स्टेबिलिटी. और रेडिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शियरी विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल रेडिकल. ठीक है, तो ये आपको देखना है. तो अगर मैंने यहाँ पर देखा ये जो मेरा कार्बन है अटैच विद वन कार्बन सेकेंड कार्बन, तो ये मेरा कौन सा है सेकेंडरी कार्बन है. इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो ये मेरा कौन सा स्टूडेंट प्राइमरी कार्बन. सो विच वन विल बी द मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ पर टर्शरी है और यहाँ पर क्या है प्राइमरी है. तो यहाँ पर आप अगर बात करते हो तो प्राइमरी इट इज नॉट गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल. तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, तो ये क्या होंगे बॉन्ड आगे जाके ऐसे ये हो गए और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होगा. सो दिस वन विल बी योर एक्यूरेट प्रोडक्ट. बट कब, अगर वो मोर सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टर्शियरी विल बी द मोर स्टेबल और आपको ये जो रिंग मिल रही है वो है साइक्लोपेंटोन विच इज हाईली स्टेबल रिंग, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा. अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन की. तो मैंने पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया सो यू विल गेट, बट अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर दिया ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा सीओ निकलेगा तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. दिस विल बी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. बट स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, द सिंपल रीजन इज दैट. अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा, आप अगर देखते हो ना, अगर मान लीजिए इसके बाद मैंने ये वाला बॉन्ड क्लीव कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट बताओ, ये रेडिकल और नीचे ये वाला मिला. अब ये वाला जो मेरा रेडिकल है ठीक है, तो ये क्लीव के बाद तो ये वाला रेडिकल और रेडिकल आप अगर देखते हो तो ये मेरा क्या है स्टूडेंट प्राइमरी है, ये भी मेरा क्या है प्राइमरी रेडिकल है. एंड प्राइमरी रेडिकल एंड द प्राइमरी रेडिकल आर व्हाट हाईली अनस्टेबल है बराबर. तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये रेडिकल फॉर्म होके साइक्लोपेंटोनन प्रोडक्ट क्या नहीं मिलेगा. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इन दिस केस मिलेगा क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड प्रेजेंट है बराबर. बट वेन द सिमेट्रिकल आप ग्रुप लेते हो तो इन दैट केस साइक्लोपेंटोनन यू विल नॉट गेट बिकॉज बोथ द कार्बन विल बी प्राइमरी सो इट इज नॉट स्टेबल. तो इन दिस केस क्या होगा, इमीडिएटली जो फ्रंट कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है उसका यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग होगा. तो ये यहाँ पर एच रेडिकल जो होगा वो जाके कंबाइन इसके साथ होगा और ये जो रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा उसका यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा एंड दिस इज द यू विल गेट दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. तो आपको प्रॉपरली देखना है व्हाइल यू आर गोइंग टू बी सॉल्व द साइक्लिक कीटोनिक, जब आप स्ट्रक्चर क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर होंगे इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है. बट एज सून एज यू आर टॉकिंग अबाउट द साइक्लिक कीटोन इन दैट केस यू शुड प्रॉपरली लुक इन टू इट स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, मतलब रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है, टर्शरी मिल रहा है सेकेंडरी मिल रहा है प्राइमरी है मिथाइल रेडिकल है, देन यू शुड डिसाइडेड विच वन विल बी द योर एक्यूरेट प्रोडक्ट.
आई होप सो यू विल गेट बोथ द करेक्ट आंसर. अब हम लोग बात करते हैं वन मोर थिंग. अब ये देख लीजिए, अगेन अनसिमेट्रिकल कीटोन है बट नाउ इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन. अब ओपन चेन में देख लीजिए, यहाँ पर ये कार्बनेट टर्शियरी, यहाँ पर ये ग्रुप है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड ये वाला हुआ तो मेरा अल्फा क्लीवेज यहाँ पर होगा. सो आई एम गेटिंग दिस रेडिकल अगेन दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक डाउन, CO ग्रुप रिलीज होगा मिथाइल. अब ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा. सो यू विल गेट दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. सो दिस इज हाउ इट्स वेरी सिंपल इनटू द ओपन चेन. तो यहाँ पे कुछ नहीं बिकॉज यहाँ पे आपको ऑलरेडी टर्शियरी मिल ही रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यू विल गेट कंबाइंड, सो यू विल गेट प्रोडक्ट. अब बात करते हैं वन मोर एग्जाम्पल्स में. अब इसमें देख लीजिए, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट नेट एग्जाम में पूछा था जून, जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको पूछा था जून 2018 में, ठीक है. तो बहुत जरूरी है बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने ये सम सॉल्व करते वक्त मिस्टेक किया था. देखने में इजी लगता है कि हमें कुछ करना नहीं है बट यू शुड कीपिंग प्रॉपरली हमें सारे टर्म्स इसमें देखने. अब हम लोग इसको सॉल्व करते वन बाय वन. सो जस्ट लुक इनटू क्या करना है, देख लीजिए कंपाउंड दिया है. अब सबसे पहले मुझे क्लीवेज करना है अल्फा क्लीवेज, कहाँ पर करना है, मोर सब्स्टिट्यूट साइड, ये तो मुझे डिसाइड हो, ये तो सबको पता चला फर्स्ट टर्म हमें क्या करना है. तो मैंने यहाँ पर लगा लिया बॉन्ड, ठीक है, ये हुआ मेरा फर्स्ट रेडिकल और यहाँ पर बना मेरा सेकेंड रेडिकल और ये मेरा कंपाउंड एज सच मैंने लिखा, ठीक है. तो अल्फा क्लीवेज हमें मिला. अब सेकेंड क्या है, मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी अल्फा क्लीवेज ये वाला बॉन्ड में ब्रेक कर सकती हूँ बट मैं नहीं कर सकती हूँ, क्यों, अगर मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, प्राइमरी रेडिकल मिलेगा विच इज नॉट स्टेबल. अब मेरे पास है दूसरा पॉसिबिलिटी ये वाला, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर से अगर मैंने हाइड्रोजन तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा. बट नाउ इन दिस केस व्हाट शुड हैपन स्टूडेंट ओवर हियर, रादर आई एम गोइंग टू बी क्लीव दिस हाइड्रोजन. यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, साइक्लोप्रोपेनन रिंग. अब आपको पता है जैसे जैसे आपका रिंग का साइज रेड्यूस होते जाता है तो उसमें बहुत सारा स्ट्रेन क्रिएट होता है. सो नाउ दिस रिंग वॉन्ट्स टू रिलीज स्ट्रेन. अब इस रिंग को क्या करना है, उसका स्ट्रेन रिलीज करना, स्ट्रेस रिलीज करना, देन दिस रिंग शुड बी वॉट, स्टार्ट टू ओपन अप. तो जैसे ये रिंग को क्या होगा, हम लोग ओपन अप करते हैं, सो द टू पॉसिबिलिटी, आइदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा. सो देर विल बी द टू पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पर नहीं ये बॉन्ड क्लीव होगा, नहीं ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होगा. यहाँ पे बॉन्ड कौन सा क्लीव होगा, साइक्लोप्रोपेनन, बिकॉज दिस कंपाउंड अटैच विद द साइक्लोप्रोपेनन रिंग एंड दिस रिंग हैज टू बी रिलीज हिज स्ट्रेन. तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कौन सा, ए एंड द बी, एक तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा या फिर ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा. अब देखो टू पॉसिबिलिटी कैसे, देखने में आपको लगेगा उसमें क्या होता है, ये ब्रेक किया प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा बराबर, पर प्रोडक्ट सेम नहीं मिलता. सो जस्ट टेक अ लुक कि क्या पॉसिबिलिटीज है. तो मैं सबसे पहले ये वाला क्लीव करके बताती हूँ, अगर ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया तो मुझे प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा. सो जस्ट टेक अ लुक, तो मैंने यहाँ पे कीटोन पहले बना लेती हूँ मैं, ठीक है, मेरा बेंजीन रिंग मैंने यहाँ पे बना दिया. अभी यहाँ पर जो रेडिकल है ये मैंने बॉन्ड लिखा. अब मुझे कौन सा ए वाला मैं क्लीव करी, तो ये मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये वाला मैंने क्लीव कर दिया तो मुझे रेडिकल बताइए कहाँ पर मिलेगा, एक रेडिकल मुझे यहाँ पर मिला ये वाला. ये बॉन्ड अगर ब्रेक किया तो यहाँ पर एक रेडिकल आया, सो दिस रेडिकल एंड दिस रेडिकल कंबाइन हुआ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, बॉन्ड मिलेगा. क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर स्टूडेंट, आई विल गेट द बॉन्ड. तो मैं डिफरेंट कलर पेन से बताती हूँ, बॉन्ड मिला तो रेडिकल अब मुझे यहाँ पर मिला, ऑलरेडी यहाँ पे आपका एक रेडिकल था. अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ये रेडिकल और ये रेडिकल दे आर वॉट, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और आपको कुछ इस टाइप का एमए प्रोडक्ट मिलेगा. आई होप सो यू शुड कंप्लीट कि मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा. अब बी का हम लोग बात करते हैं. अब बी में चेक कर लीजिए क्या होगा, कीटोन है, बेंजीन ग्रुप है, ये बॉन्ड है. अब बी में क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है मुझे तो ये वाला ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर, तो ये बॉन्ड मैंने क्लीव किया. तो ये बॉन्ड क्लीव करने के बाद यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड बना और रेडिकल कहाँ पर फॉर्म हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर फॉर्म हुआ. अब मुझे ये दोनों को ज्वाइन करना है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए इसको हम लोग ऐसे भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट डबल बॉन्ड ये यहाँ पर आपका क्या बना, ट्रांस दिखा रहे स्टूडेंट जस्ट अ मिनट. तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, ये यहाँ पर बॉन्ड है, तो ये यहाँ से दिखाने के बजाय मैंने यहाँ पर दिखाया उसको, ठीक है. अब ये वाला रेडिकल अगर कंबाइन हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड बना, ठीक है. तो दिस इज आवर प्रोडक्ट. अब आप अगर यहाँ पर देखते हो ना स्टूडेंट, पोजिशन हमें देखना है डबल बॉन्ड का. आप अगर इस डबल बॉन्ड की पोजिशन तो ये देख लीजिए,
ये में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको बता रहा है सिक्स पोजीशन, ठीक है। वाइल अगर मैं इस प्रोडक्ट, ये देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो क्या है, ट्रांस है। सो दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट गिव द डिफरेंट टू प्रोडक्ट। आप अगर बी के रूट से जाते हो सो यू विल गेट द ट्रांस, इफ यू आर गोइंग टू बी फॉलोड द ए यू विल गेट द सीस। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द डिफरेंट। अब इसको मुझे लिखना है इन द एक्यूरेट फॉर्म, तो ये मेरा कौन सा बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग है, तो इसको मैंने ऐसे पहले डाल दिया डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। और ये मेरा जो दूसरा बचेगा ये कौन सा है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग है, तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कर लिए, सपोज दिस इज द 1, 2, 3, 4, तो 4 पे यहाँ पे क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड आएगा। सो ये स्ट्रक्चर ऐसे, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर को भी आप इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए थे दैट चूज द विच वन विल बी योर ए एंड द बी प्रोडक्ट, तो ये आपका उसमें राइट आंसर था, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। तो आपको प्रॉपरली देखना है आफ्टर सिलेक्टिंग द अल्फा, मतलब अल्फा क्लीवेज, कि नेक्स्ट अल्फा क्लीवेज कहाँ पर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ वन मोर एग्जांपल्स की, जिससे आपको सारी आइडिया क्या हो जाए आप क्लियर करो, ठीक है। तो अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर क्या है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको एग्जांपल मिलता है अलोंग विद कार्बोनिल कंपाउंड, सो डोंट बी पैनिक। सबसे पहले हमें तो अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से ही जाना है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखते हो तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा होगा, डेफिनेटली जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, ओके। तो देख लीजिए ये वाला एक कार्बन है, ये वाला, तो ये है आपका मोर सब्स्टिट्यूट। तो ये वाला मेरा बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट क्लीव होगा, ठीक है। सो आफ्टर क्लीव दिस बॉन्ड, ओके, आप रेडिकल एक यहाँ पर मिलेगा, एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा। सेकेंड अब क्या करना है, दिस विल बी द सेकेंड अल्फा, तो इसको मैंने क्लीव किया, क्लीव करने के बाद यहाँ पे सीओ रिमूव होगा, देन दिस रेडिकल एंड दिस रेडिकल हैज टू बी कंबाइन एंड यू विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ आपको ये सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल था। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड एग्जांपल। अगर मान लीजिए आपके पास अगर ऐसा कंपाउंड है तो इसमें भी आपको वही करना है, अल्फा क्लीवेज के लिए पहला देखना मोर सब्स्टिट्यूट ये वाला साइड, तो ये मेरा बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है। तो ये अगर मेरा बॉन्ड क्लीव होता है तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, कार्बोनिक एक रेडिकल यहाँ पर मिला और एक रेडिकल मुझे यहाँ पर मिलेगा, बीच वाला जो पार्ट है वो एज सच रहेगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड मैंने क्लीव किया। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, बट यहाँ पे आपको स्टूडेंट याद रखना है अगर यहाँ पर मैंने इन दिस केस सपोज ये वाला बॉन्ड अगर मैंने क्लीव कर दिया तो यहाँ पर क्या मुझे मिलेगा, प्राइमरी कार्बन मिलेगा विच इज व्हाट, नॉट स्टेबल। तो यहाँ पर हम लोग ये बॉन्ड इसको नहीं क्लीव करेंगे, रादर आई एम गोइंग टू बी क्लीविंग दिस बॉन्ड। आप अगर ये वाला देखते हो तो ये मेरा क्या है, 1 और ये वाला 2 है, सेकंड ये, तो यहाँ पर भी तो मेरा हाइड्रोजन है बराबर, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, होमोलिटिकली ब्रेक डाउन होगा, तो एक यहाँ पर रेडिकल बनेगा एंड दिस एच रेडिकल हैज टू बी कंबाइन हियर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा अल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट दैट दिस शुड बी सी डबल बॉन्ड ओ और आपको यहाँ पे मिलेगा एच, बिकॉज जो एच रेडिकल है वो यहाँ पर जो रेडिकल मिलेगा इसका वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये आपका ग्रुप एज सच रहेगा और रिमेनिंग जो पार्ट है आपका स्टूडेंट दैट विल बी कीपिंग एज सच। सो दिस इज हाउ यू विल गेट ओवर हियर स्टूडेंट व्हाट, फाइनल प्रोडक्ट। सो गलती से भी आप देखते हो ना, जब सेकंड जब बॉन्ड आप क्लीव करते हो आफ्टर क्लीविजिंग द फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड क्लीव करते हो आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल्स कि वो आपको क्या दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, दिस विल बी द अगेन नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट वन मोर की पॉइंट्स, जैसे जैसे आप अलग अलग एग्जांपल सॉल्व करते हो ना आपके रूल्स भी चेंज होते हैं, तो आपको सारे रूल्स को याद रखना है। अब मैंने आपको ये तो बताया था कि गैस फेज है तो पक्का डीकार्बोनिलेशन होगा, से आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल्स। बट अब यहाँ पे क्या है, व्हेनेवर द लिक्विड फेज इज गोइंग टू बी मेंशन, तो लिक्विड फेज में आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे डीकार्बोनिलेशन करना है इन द फेज ऑफ लिक्विड फेज, तो डेफिनेटली वहां पर आपका टर्शियरी रेडिकल होना चाहिए या फिर अलाइलिक रेडिकल प्रेजेंट होना चाहिए या फिर बेंजिलिक रेडिकल होना चाहिए। तो यही अगर स्टेबल रेडिकल प्रेजेंट है तो ही लिक्विड फेज में आपका वहां पे क्या होगा, डीकार्बोनिलेशन होगा। बट अगर लिक्विड फेज है दिया हुआ आपको ऑन दी एरो, बट वहां पे आपका टर्शरी नहीं रेडिकल फॉर्म हो रहा है, नहीं अलाइलिक फॉर्म हो रहा है, नहीं बेंजिलिक फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट। तो अब देख लीजिए मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है इस एग्जांपल में, ये वाला, तो ये बॉन्ड क्लीव होगा, तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड मैंने क्लीव किया तो मुझे ये ऐसा मिला, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर। अब सेकंड मुझे क्लीव कहाँ पर करना है, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड क्लीव कर दिया तो देख लीजिए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, आई विल गेट ओवर योर प्राइमरी, मतलब सपोज जस्ट अ मिनट स्टूडेंट,
अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, सो दिस कार्बन गेट व्हाट, प्राइमरी रेडिकल मिलेगा विच इज नॉट स्टेबल. और मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पर लिक्विड फेज है सो यू विल गेट आइदर टर्शियरी, अलाइलिक और बेंजिलिक. अलाइलिक का मतलब होता है ये वाला कार्बन रेडिकल होगा, ठीक है. बेंजिलिक का मतलब है ये वाला CH2 रेडिकल होगा. तो यहाँ पर ये तीनों रेडिकल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला जो मेरा हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर होगा होमोलिटिकली, देन फाइनली वॉट प्रोडक्ट यू विल गेट ओवर हियर, सी डबल बॉन्ड OH, ये यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा. क्लियर? तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा. बट इन द केस ऑफ गैस फेज डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, आपका डिकार्बोनिलेशन होगा. अब देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा एंड फाइनली आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा, यहाँ पे सी होगा, सेकंड क्लीव यहाँ पर हो जाएगा एंड देन यहाँ पर जो रेडिकल है वो उसमें फॉर्म होगा. तो गैसियस फेज में आपका ये रिएक्शन आपको मिल जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है डिकार्बोनिलेशन के लिए. तो आपको देखना है कि लिक्विड फेज एंड गैस फेज में आपको कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है. और एक एग्जांपल मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगी, जितने एग्जांपल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट उतना ही आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा. अभी मान लीजिए मेरे पास कोई साइक्लोपेंटेन कंपाउंड है, जस्ट मिनट, यहाँ पर फिनाइल है, फिनाइल फिनाइल और फिनाइल ग्रुप है, ठीक है. एच न्यू के साथ रिएक्शन दिया है. अब देखते हो तो ये मेरा क्या है स्टूडेंट, सिमेट्रिकल कीटोन है. तो मैं यहाँ से भी ब्रेक कर सकती हूँ, यहाँ से भी ब्रेक कर सकती हूँ. तो मैंने यहाँ से अगर सपोज मैंने उसको क्लीव कर दिया, तो अब देख लीजिए मेरे पास क्या प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर एक रेडिकल होगा, ये फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल फिनाइल, ठीक है. यहाँ पर भी रेडिकल आया. अब सेकेंड जब आप स्टूडेंट यहाँ पर रेडिकल को करना है, तो मान लीजिए अगर मैंने सेकेंड यहाँ पर क्या कर दिया, क्लीव कर दिया, तो मुझे नेक्स्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट, दैट आई विल गेट, यहाँ पर रेडिकल मिलेगा मुझे, यहाँ पर रेडिकल मिलेगा और मेरा क्या होगा, यहाँ से CO चला जाएगा. पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि अगर मैंने ये अल्फा क्लीव किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये मेरा टर्शियरी कार्बन मिलेगा मुझे, बराबर ना. सॉरी स्टूडेंट, ये रेडिकल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है. तो ये मुझे यहाँ पर रेडिकल मिला, तो ये टर्शियरी है विच इज स्टेबल, तो मतलब मैं डिकार्बोनिलेशन कर सकती हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग द स्टेबल. बट अब इसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे, बराबर. तो आपको यहाँ पर जो रिंग मिल रहा है, तो अब आपको क्या देखना है, आपने रेडिकल स्टेबिलिटी तो चेक कर ली, बराबर. बट आपको जो रिंग मिल रहा है वो क्या मिल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट, ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन मिल रहा है, विच इज अगेन वॉट, कम्प्लीटली स्ट्रेन रिंग है. क्योंकि जैसे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे जैसे रिंग का साइज कम होता है, द रिंग गेट वॉट, क्या होगा उसमें स्ट्रेन भरते चला जाएगा. तो वो स्ट्रेन अब क्या करेगा, रिलीज करना चाहेगा. तो इमीडिएटली क्या होगा स्टूडेंट, दिस बॉन्ड विल बी वॉट, होमोलिटिकली ब्रेक डाउन. इसका होमोलिटिकली क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, बिकॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, फोर मेंबर रिंग में दे वॉन्टेड टू रिलीज देयर स्ट्रेन. तो जैसे ही ये रिलीज स्ट्रेन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा फॉर्म. तो फाइनल जो मुझे प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, फिनाइल फिनाइल डबल बॉन्ड, ये मुझे यहाँ पे फाइनल टू मोल्स इसके मिलेंगे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक इन टू इट, कि जब अगर सेम एग्जाम्पल में बोले, सेम एग्जाम्पल स्टूडेंट इस फॉर्म में होगा, सिक्स मेंबर रिंग में, वॉट, सिक्स मेंबर रिंग में, तो बताओ मुझे फाइनल क्या आंसर मिलता है इसका, फाइव मेंबर रिंग, फिनाइल 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 और फिनाइल, बराबर यही प्रोडक्ट मिलता है आपको. तो यहाँ पर आपको आगे जाके फर्दर रिंग रेड्यूस करनी है, बिकॉज साइक्लोपेंटेन जो रिंग होती है हमारी, साइक्लोपेंटेन जो रिंग होती है विच इज हाईली स्टेबल, तो फाइनल में आपको इसमें यही प्रोडक्ट लिखना. तो ये डिफरेंस होता है कि आपको दिया हुआ रिंग कौन सा है वो भी आपको देखना है, वो आगे जाके उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा. तो आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड इट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, कि आपको उसमें क्या आंसर मिलना है. सो आई होप सो स्टूडेंट यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम विच आई एम गोइंग टू बी सॉल्व ओवर हियर. तो आपको अगर ये अच्छे से सारे समझ में आए हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, तो आप मुझे उसका डेफिनेटली आंसर बताना. तो दिस इज नाउ टाइम टू होमवर्क. तो आपको अगर ये पूरा अच्छे से समझ में आया तो ये सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए स्टूडेंट कि इसका नॉरिश टाइप वन का प्रोडक्ट क्या होगा. सो कमेंट मी योर आंसर. और सेकेंड मॉलिक्यूल में दे रही हूँ स्टूडेंट आपको, ये है सपोज, ये यहाँ पर है बॉन्ड, ऐसे है यहाँ पर कीटोन है और यहाँ पर है. तो एच न्यू के साथ अगर इसका इंट्रैक्शन होता है, व्हाट विल बी द नॉरिश टाइप वन प्रोडक्ट. तो आपको अगर अभी तक दिए हुए समझाए सारे न्यूमेरिकल्स, सॉरी न्यूमेरिकल बोलिए सर,
ये सारे जो प्रॉब्लम्स है अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो ये दोनों आप सॉल्व कीजिए एंड कमेंट में योर आंसर. आई डेफिनेटली टेलिंग टू यू व्हाट विल बी द एग्जैक्टली फाइनल आंसर. सो स्टूडेंट वंस अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड प्लीज कमेंट मी. तो मुझे पता चलता है कि मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है या बेसिक थ्योरी में जाबलोस के डायग्राम में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है सो डेफिनेटली यू शुड आस्क मी. आई डेफिनेटली रिजोल्व योर ऑल द प्रॉब्लम. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.